हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रभास और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रैवल बाय प्रभास पर। दोस्तों, यदि हम अभी चल रहे महीने की बात करें तो अभी सितंबर का महीना चल रहा है और अगले महीना अक्टूबर का है, जिसमें नवरात्रि की शुरुआत होने वाली है। और नवरात्रि की शुरुआत के साथ ही साथ बिहार में जो एयर ट्रैफिक है वो भी बढ़ने वाला है। और दोस्तों, इसी बात को समझते हुए DGCA ने पटना एयरपोर्ट की जो रूटीन है उसमें एक बड़ा बदलाव किया है। दोस्तों, अभी तक पटना एयरपोर्ट से प्रतिदिन 96 फ्लाइट्स का संचालन होता था, लेकिन अब इसे बढ़ा के 100 कर दिया गया है। और इसी के साथ साथ एयर जो कंपनी है, एयरलाइंस कंपनी, उनके शेड्यूल में भी बदलाव किया गया है। अब सबसे ज़्यादा पटना एयरपोर्ट पर जो उड़ान है वो इंडिगो की होगी। कुल 50 जोड़ी फ्लाइट्स में से कुल जो 22 जोड़ी फ्लाइट्स हैं वो इंडिगो की होगी। यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि लगभग आधी फ्लाइट्स इंडिगो उड़ाएगी। उसके बाद यहाँ पे आती है स्पाइस जेट 15 जोड़ी, यानी कि 30 फ्लाइट का संचालन यहाँ से करने वाली है स्पाइस जेट। फिर यहाँ पे आती है गो एयर तीसरे नंबर पे 6 जोड़ी, यानी कि 12 फ्लाइट का संचालन यहाँ से इसका होगा। फिर आती है हमारी सरकारी कंपनी यानी कि एयर इंडिया 6 जोड़ी, यानी कि कुल 12 फ्लाइट्स। और फिर यहाँ पे सबसे अंतिम में आती है विस्तारा एयरलाइंस, यहाँ पे मात्र 1 जोड़ी, यानी कि सिर्फ 2 फ्लाइट्स का संचालन किया जाएगा प्रतिदिन विस्तारा एयरलाइंस के द्वारा। और दोस्तों, यहाँ पे जो गो एयर की फ्लाइट्स है इसमें भी बड़ा बदलाव किया गया है। गो एयर की एक नई फ्लाइट इंट्रोड्यूस की गई है दिल्ली के लिए, और यहाँ पे सबसे ज्यादा जो फ्लाइट होंगी वो होंगी दिल्ली रूट के लिए। कुल 16 जोड़ी जो फ्लाइट होंगी वो पटना से दिल्ली के लिए चलेगी। 7 जोड़ी फ्लाइट चलने वाली है बेंगलुरु और कोलकाता के लिए। 6 जोड़ी फ्लाइट यहाँ पे मुंबई के लिए होगी। दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।